सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोभिक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हे एवरीवन, फिर से जो है बहुत बड़ी जॉब वैकेंसी लेके आ चुका हूँ टाटा मोटर्स कंपनी की तरफ से। इस बार के वैकेंसीज के अंदर बहुत सारे पोस्ट अवेलेबल है जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट कंपनी के जॉब ढूंढ रहे हैं या घर बैठे हैं जॉब एप्लीकेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, जहाँ पे आप लोगों को सारे जानकारी जो है प्रोवाइड करूँगा किस तरह से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो और एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पास होना चाहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ जानकारी चाहिए तो कॉमेंट करना मत भूलिए, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँगा। टाटा मोटर्स कंपनी की तरफ से रिसेंटली जो वैकेंसीज इस बार निकला हुआ है, जहाँ पे वेरियस पोस्ट के वैकेंसीज निकला हुआ है, जहाँ पे इंजीनियर एनालाइज इंजीनियर के पोस्ट यहाँ पे निकला है, सिस्टम डिजाइनर इंजीनियर के पोस्ट निकला हुआ है, प्रेफरेंस एंड एमिशन कैलिब्रेशन ऑफ इंजीनियर के पोस्ट निकला है, कस्टमर सपोर्ट के मैनेजर पोस्ट निकला है, सीनियर मैनेजर के पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, जूनियर मैनेजर के पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, रिलेशनशिप मैनेजर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट निकला हुआ है, सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड मैकेनिकल डेवलपमेंट के इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा ऑल ओवर इंडिया में जॉब वैकेंसी रहेगा जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए ऑनलाइन के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 18 से ऊपर होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के बाद जो है यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो अगर आप 18 से ऊपर है तब आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्री के साथ साथ अगर आप 10th पास विद ITI कंप्लीट कर चुके तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके अलावा डिप्लोमा कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। कोई भी कैंडिडेट जो बैकग्राउंड है यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 18,000 से ऊपर जो है सैलरी दिया जाएगा पर जब आप फ्रेश यहाँ पे फ्रेशर जो एज ए फ्रेशर आप काम करोगे तो यहाँ पे उसी के ऊपर डिपेंड करके जो 18,000 सैलरी जो है मिनिमम जो सैलरी आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन के लिंक मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। तो टाटा मोटर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत बड़ी एक कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में इसका जो है ब्रांचेस अवेलेबल है, और जो जहाँ पे आप लोग यहाँ पे कंपनी के लिए एप्लीकेशन करके जॉब पा सकते हो। सर, सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटेन एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू भी आपको देना होगा। रिटेन एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद ही आपको जो है इंटरव्यू दे के आपको जो है यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन हो जाओगे। टाटा मोटर्स के ऑफिशियल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो टाटा मोटर्स के जो ऑफिशियल पेज है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कर उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो टाटा मोटर्स कनेक्टिंग एक्सपीरियंस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको मैं ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पे इस तरह की कुछ पेज आपके सामने चला आएगा, जहाँ पे आप लोगों को नीचे जाने के बाद आप लोगों को सारे डिटेल्स में पता चल जाएगा कि क्या क्या पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हुआ है और कहाँ कहाँ से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। ध्यान से देखना होगा, अगर आप मोबाइल से एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप लोगों को ध्यान से जाके आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको CV जो है लेटेस्ट आपका जो CV है आपको यहाँ पे देना होगा, जहाँ पे आप लोगों को सारे CV के ऊपर मेंशन कर देना होगा आपका पूरा डिटेल्स, एंड इसी के साथ साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज भी नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।